हम अपने मैथ्स में यूज होने वाली बहुत सी आकृतियों का यूज हम अपनी दैनिकचर्या में करते हैं। आज हम उनमें से कुछ आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे और उनके फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। आप सबने ये आकृति तो देखी होगी बेटा। ये कौन सी आकृति है बच्चों? सभी बच्चों को पता है ये क्या है? शंकु। इस शेप की आपने बहुत सारे बर्थडे कैप देखी होंगी, आइसक्रीम का कोन भी देखा होगा इस तरीके से। इस आकृति को हम क्या कहते हैं बेटा? शंकु कहते हैं। ये जो शंकु है इसको बनाने के लिए हमने किस गत्ते का जो यूज किया है, ठीक है, ये जो सिर्फ हमें आउटर इसका बनाना है, ये बर्थडे कैप बनानी है, तो इसके लिए जो हमारा गत्ता यूज हुआ है ये क्या है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है बेटा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको इसमें इसकी पिक्चर और अच्छे क्लियर दिखाते हैं। आपने बुक में इस तरीके की शेप देखी होगी, ये है शंकु की शेप जो आप अपनी बुक्स में देखते हैं। और अभी जो पहले आपको दिखाई थी वो रियल शेप थी जो आप अपनी दैनिकचर्या में देखते हैं। ये जो शंकु का क्या है, नीचे शंकु की क्या आती है बेटा? त्रिज्या आती है। और इसको हम बोलते हैं शंकु की ऊंचाई, मतलब आपकी जो चीज़ है उसकी लंबाई कितनी है, और ये शंकु की क्या है? तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। शंकु का जो बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब हमें शंकु को बनाने में कितनी गत्ते की आवश्यकता है, वो हम किससे निकालते हैं? पाई आर एल से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? पाई आर एल से। ये तो हमने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल डिस्कस किया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा शंकु का क्या होता है? अगर हमें, जब हम आइसक्रीम कोन खरीदते हैं तो क्या वो ऊपर से ओपन होता है? नहीं होता ना, ऊपर से क्या होता है? बंद होता है। मतलब ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो उसमें है, लेकिन संपूर्ण निकालने के लिए वो हमारा यहाँ से क्या होता है? बंद होता है। तो ये ऊपर क्या बन रहा है बेटा? इसका वृत्त, एक वृत्त चाहिए होगा जो हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये शंकु हमारा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये जो पूरी है ये क्या है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसका मतलब हमने क्या किया, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो हमारा क्या आ गया? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब जो हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का निकालना है तो वो क्या निकलेगा? पाई आर एल। पाई आर एल जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमने एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्या कर दिया था? उसमें ऐड कर दिया था, ठीक है बेटा। ये क्या था? शंकु का वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम शंकु के आयतन के बारे में पढ़ेंगे। आयतन का मतलब है इसके अंदर, शंकु के अंदर कितनी चीजें आ सकती हैं, हम इसमें क्या क्या चीजें, अगर इसको पूरा भरे तो इसमें कितनी चीजें आ सकती है, इसमें कितना पानी भरे तो कितना पानी इसमें आ सकता है। ये शंकु का क्या है बेटा? आयतन है। और शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर एच। अब इसकी आकृति मैं आपको एक बार बोर्ड पे बना के भी दिखाती हूँ बेटा। जो शंकु है हमारा उसकी आकृति कैसी, अभी आपको पता है इस तरीके की होती है। ये शंकु के आधार की क्या है? त्रिज्या, जिसको हम आर से दर्शाते हैं। ये शंकु की ऊंचाई है जिसको हम एच दिखाते हैं, हाइट। और एल क्या है? इसकी तिर्यक ऊंचाई, मतलब स्थान हाइट। आर त्रिज्या को दिखाएगा, एच ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है बेटा? शंकु की ऊंचाई। और एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई। अब हम दूसरी शेप के बारे में पढ़ेंगे बेटा। आपने घर में सब बच्चे लूडो खेलते हैं, सबको ये आकृति तो पता होगी, ये आकृति सबने देखी होगी, जिसको आप कई बच्चे डाइस बोलते हैं, कई पासा बोलते हैं, जिसपे एक से छः तक नंबर लिखे होते हैं। आपने ये आकृति देखी है। ये इसमें आपने देखा है कि जो इसकी लंबाई और चौड़ाई और ये ऊंचाई है, ये तीनों क्या है? बराबर। तो ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है उसको
हम क्या बोलते हैं बेटा? घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे उसको? हम घन बोलते हैं, ठीक है। और घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 4a² क्या होता है? 4a² ए क्या है यहाँ पे? इस घन की भुजा, क्योंकि इसकी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी ए है, तो ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बना? 4a². अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमें इसी डाइस को अगर हमें पैक करना हो तो हम सारी ये जो इसके फेसेस हैं सारे फलक उसको हम ढक देंगे और सारे साइड्स पे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा है, तो इसके कितना इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ? 6a² क्या हो गया बेटा? 6a² और आयतन वही बात कि अगर हमारे पास इस शेप का कोई बॉक्स हो और उसमें कितना आ सकता है पानी आ सकता है, वो उसका क्या है? आयतन। और वो क्या होता है? 1 की घात 3 मतलब भुजा की घात 3, ठीक है बेटा। अब हम इसकी आकृति बनाएंगे बेटा। इसकी आकृति अब हम क्या सीखेंगे? घन। घन में क्या होता है? इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है बच्चे? बराबर होती है। इस भुजा को हमने क्या बोला? ए। ये भी ए है, ये भी ए, और ऊंचाई भी कितनी है इसकी? ए है। ए यहाँ पर किसको दर्शा रहा है? घन की भुजा को दर्शा रहा है, ठीक है बेटा। आपको ये दोनों शेप क्लियर होंगी। अब हम इसकी अगली शेप देखेंगे क्या बेटा? अब हम तीसरी आकृति के बारे में पढ़ेंगे जो है कि बेलन। आपने बेलन को अपने नॉर्मल लाइफ में सुना होगा और देखा भी होगा, बेलन की इस आकृति के बारे में देखा होगा। तो अगर हम बेलन के इस आकृति के बारे में पढ़ेंगे तो ये जो है वो हमारा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये हमारा बेलन है और ये हमारा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, 2πRh। यहाँ पे बेटा R हमारा क्या है? R इसकी हमारी है त्रिज्या और H हमारी है इसकी ऊंचाई, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि जब हमारे पास एक बेलन है तो ये तो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, लेकिन जब हम इसे ऊपर और नीचे से क्लोज कर देते हैं तो ये हमारा एक सर्कल है, एक ऊपर से क्लोज करेंगे और एक बार नीचे से भी इसे बंद करेंगे, तो जब दोनों तरफ से बंद हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा हमारा? एक तो हमारा वक्र आएगा और दोनों ही तरफ के वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो भी जमा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये है 2πRh जो कि हमारा पहले से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था, और जमा करेंगे 2πR² क्योंकि दो वृत्त हमने इसमें प्लस करे हैं तो दोनों ही वृत्तों का क्षेत्रफल भी हमारा इसमें प्लस हो जाएगा। फिर हमारा है आयतन। जैसे कि हमने पढ़ा आयतन क्या होता है कि कितना सामान इसके अंदर आप भर सकते हैं या कितना पानी इसमें अंदर आप भर सकते हैं, तो जितना भी सामान इसके अंदर आएगा, कोई भी हम सामान इसमें भर देते हैं तो वो सभी हमारे क्या हो जाएगा? आयतन, कि कितना सामान इसमें आएगा। तो आयतन क्या होता है बेटा? आयतन का फॉर्मूला होता है πR²h, ठीक है। तो इसकी हम आकृति भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बेलन की आकृति क्या है? त्रिज्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा कि जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप एक बार बंद कर देंगे, जब अगर हम यहाँ पे सर्कल लगा देते हैं यानी वृत्त, तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी कि क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक वृत्त को एरिया भी हमने प्लस किया है, तो उसके क्षेत्रफल के एरिया को भी हम क्या करेंगे, इसमें जमा करेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे हो जाएगा फिर 3πr², क्योंकि हमने एक वृत्त के क्षेत्रफल को इसमें जमा करा है। फिर हमारा है आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, 2/3πr³, यानी कि जितना भी सामान हम उसके अंदर भर सकते हैं। तो हम इसकी आकृति भी डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारी है त्रिज्या, आर हमारी क्या है इसमें त्रिज्या। तो हमने बेटा सभी आकृति के बारे में पढ़ा, पहला हमारा था शंकु, दूसरा घन, तीसरी आकृति है बेलन और चौथी आकृति है अर्धगोला। तो सभी के बारे में बेटा फॉर्मूले हमने डिस्कस करे हैं, एक बार अच्छे से रीड करेंगे और याद करेंगे।